चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों की आज के महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। यूपी के 12वीं पास मेधावियों को 80,000 स्कॉलरशिप का मौका, केंद्र सरकार की इंस्पायर योजना से मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, आपको बता दी कि लखनऊ में 12वीं पास करने वाले मेधावियों को पढ़ाई के लिए 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूजी और पीजी की पढ़ाई के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान और नवाचार में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर करने के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना के तहत यह छात्रवृत्ति देगा। इस योजना में यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। यूपी में राहुल के खटाखट वाले बयान पर पीएम मोदी का तंज, बोले 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 4 चुनावी रैलियां आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही में की। प्रतापगढ़ में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। कहा, शहजादों यानी राहुल अखिलेश को न मेहनत करने की आदत है न ही नतीजे लाने की, इसलिए कहते हैं कि देश का विकास अपने आप होगा, देश का विकास खटाखट होगा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सभी महिलाओं को 8,500 रूपए प्रति माह खटाखट उनके खाते में जाएगा। आपको बताने की पीएम ने कहा कि ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा। खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूट कर बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। उत्तर प्रदेश में 28 मई को तय होंगी कंपनी, अगले माह से घरों में लगेंगे वाटर मीटर, 17 जिलों में लागू होगा प्रोजेक्ट। जी हां, आपको बताने की राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 17 जिलों में अगले महीने से वाटर मीटर लगाने का काम शुरू होगा। यहां 24 घंटे पानी मिलेगा। वाटर मीटर लगाने का पैसा भवन स्वामी से नहीं लिया जाएगा, यानी अब आप जितना पानी खर्च करेंगे उस पानी के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। वाटर मीटर लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 110 वार्डों में से चिन्हट द्वितीय वार्ड में आने वाले गोमती नगर के वास्तुखंड को चुना। योजना सफल होगी तो पानी खर्च के आधार पर भवन स्वामी से बिल लिया जाएगा। मीटर लगवाने के लिए प्री बिड मीटिंग हो चुकी है। 28 मई को टेंडर खोलकर कंपनी तय कर दी जाएगी। बताने की शुरुआत में करीब 1,000 मकानों में पहले चरण में योजना लॉन्च की जाएगी। शहर में इस तरह की योजना पहली बार लाई गई है। इसके बाद प्रदेश के जो 17 और जिले हैं उन सभी जिलों में भी वाटर मीटर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इन किसानों को भी मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ, खाते में आएंगे 2,000 रूपए। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के जिन किसानों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है वह किसान ईकेवाईसी कराकर 17वीं किस्त जारी होने पर उसका लाभ ले सकते हैं। ईकेवाईसी से वंचित किसानों के लिए एक बार फिर ईकेवाईसी कराने का मौका दिया गया है। वर्तमान में करीब 1,00,000 किसान ईकेवाईसी से वंचित है। किसान सम्मान निधि के कुल पहली से लेकर 16 किस्तें जारी हो चुकी, लेकिन 16वीं किस्त का लाभ मिलने से प्रदेश के लाखों किसान वंचित रह गए, क्योंकि उन किसानों ने ईकेवाईसी नहीं कराई थी। किसान सम्मान निधि से वंचित किसान अब सम्मान निधि के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। ईकेवाईसी से वंचित किसानों से विभाग द्वारा ईकेवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यहां 8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित, डीएम का आया आदेश। दरअसल आपको बताने की उत्तर प्रदेश में गर्मी को देखते हुए हाथरस डीएम अर्चना वर्मा के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 8वीं तक के विद्यालयों में 17 और 18 मई का अवकाश घोषित कर दिया है। बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन मान्यता प्राप्त समस्त बोर्डों के विद्यालयों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक 17 और 18 मई को शिक्षण कार्य बंद रहेगा। क्या सभी जिलों में लागू देनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल जीरो हो जाएगा, पीएम मोदी ने आजमगढ़ में बताई पूरी योजना, पैसे भी कमाएंगे। जी हां, आपको बताने की पीएम मोदी ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई योजना से बिजली बिल जीरो हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। यह योजना ऑलरेडी चालू कर दिया गया, सिर्फ निरहुआ नहीं बल्कि आप लोग भी हीरो बनेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आप ऑनलाइन जाकर अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोगों को 75,000 रूपए मिलेंगे जिससे लोग सोलर पैनल लगाएंगे। ज्यादा बिजली होगी वो योगी सरकार खरीद लेगी, लोग बिजली बेचकर पैसा भी कमा पाएंगे। आगे पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो दल हैं, लेकिन उनकी एक ही दुकान है, जहां वे तुष्टिकरण, झूठ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार बेचते हैं। ये लोग पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में 500 ग्राम से बुखार उतर जाता था, अब 650 से नहीं उतरता। वैक्सीन के बाद पैरासिटामोल पर अखिलेश ने घेरा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब पैरासिटामोल को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, पहले पैरासिटामोल की 500 ग्राम की गोली मिलती थी उससे बुखार उतर जाता था, अब 650 ग्राम की हो गई लेकिन तब भी बुखार नहीं उतर रहा है। 500 ग्राम में बुखार उतरता था, अब 650 ग्राम में क्यों नहीं उतर रहा है? सवाल क्या कि बीजेपी ने घोटाला किया कि नहीं किया? बीजेपी ने आपकी कापी किताबें सब महंगी कर दी, घर में रखा लाल वाला सिलेंडर महंगा कर दिया, मोटरसाइकिल का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ते ही गन्ने पर कीटों का वार, फील्ड में उतरे वैज्ञानिक, यूपी के 45 जिलों में अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि शाहजहांपुर समेत यूपी के 45 गन्ना उत्पादक जिलों के किसानों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही गन्ने की फसल में चोटी बेधक का प्रकोप बढ़ गया है। इसके लिए शाहजहांपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने किसानों को सावधान किया है और चोटी बेधक को रोकने के लिए जरूरी उपाय भी बताए हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक वीके शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में गन्ने की फसल में चोटी बेधक कीट की प्रथम पीढ़ी के उपरांत द्वितीय पीढ़ी का प्रकोप देखा जा रहा है। इस कीट की मादा शलभ चांदी जैसे सफेद रंग की होती है तथा पीछे की ओर नारंगी की रोएदार संरचना पाई जाती है, तो इसका आप उपाय जरूर कर लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एनपीएस के बाद चयनित शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार नहीं। जी हां, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं है, भले उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो। गाजीपुर के सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया। बता दें कि याचिका कहना था कि उसका चयन 1 अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू होने की तिथि से पूर्व का है, इसलिए उसे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। सीतापुर सामूहिक कांड का चौंकाने वाला खुलासा, जानकर हिल जाएंगे आप। अजीत ने रात 2:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किया था सभी कांड और लगा दिया था भाई को। जी हां, आपको बता दें कि सीतापुर जिले के पल्लापुर गांव में हुए सामूहिक कांड का बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया। आईजी रेंज सीतापुर तरुण गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को परत दर परत मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आरोपी अजीत सिंह ने रात 2:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच सभी वारदात को अंजाम दिया, फिर अपने भाई अनुराग को इसमें लगा दिया और कहा कि उसने भी खुद को खत्म कर लिया। उन्होंने बताया कि अजीत 2 बजे करीब उठकर बाहर आया और सभी को जगाने के लिए बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। इस पर सबसे पहले प्रियंका बाहर आई, उसने पहले प्रियंका और फिर बारी बारी से परिवार के सभी 6 सदस्यों को। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में लाइसेंस के लिए अब नहीं काटना होगा नगर निगम का चक्कर, स्मार्ट काशी ऐप से कर सकेंगे 28 प्रकार के लाइसेंस का आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब वाराणसी में पोस्टर व होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम के लाइसेंस विभाग का चक्कर नहीं काटना होगा। इसके स्थान पर स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। निगम ने 28 प्रकार के लाइसेंस के आवेदकों को स्मार्ट काशी ऐप से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जोनवार विज्ञापन एजेंसी को नामित करने की तैयारी है ताकि जोनल स्तर पर अवैध विज्ञापन से निगरानी हो सके। विज्ञापन से आय बढ़ाने के लिए निगम ने 9 शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन पॉइंट और बढ़ाने का निर्णय लिया है। केजरीवाल के दावे के कुछ ही देर बाद सीएम योगी ने अब तीखा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल के आगे उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, उनको अब लगता है कि कभी जेल से बाहर नहीं आना है। उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया कि अपनी बात को मुझसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यह जेल जाने का रिएक्शन है। सीएम योगी ने कहा कि केजरीवाल अभी जेल से निकल कर आए हैं, उन्हें जेल का साइड इफेक्ट हो रहा है। सीएम योगी ने यहां तक कहा कि उनकी खांसी से पूरी दिल्ली की जनता आज खांस रही है। सीएम ने कहा, मैं योगी हूं, सनातनी हूं, देश और सनातन धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार सत्ता को ठुकरा सकता हूँ। यूपी में पीएम मोदी फिर आ रहे हैं, काशी 21 को महिलाओं से करेंगे समाज, पिछली बार नामांकन के बाद नहीं किया था प्रचार। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसपास गुरुवार को 4 सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया। सोमवार मंगलवार को 2 दिनों तक वाराणसी में रहे और नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इस दौरान वाराणसी में उन्होंने 80 किलोमीटर की दूरी सड़क और गंगा से तय करते हुए माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से 21 मई को आ रहे हैं। इस दौरान उनका मुख्य कार्यक्रम मातृशक्ति यानी महिलाओं के साथ संवाद का है, इसलिए घर घर से महिलाओं को सभा में लाने की तैयारी हो रही है। 15 जुलाई तक हाथरस जिले में लागू रहेगी धारा 144, नहीं कर सकेंगे ये काम। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने 16 मई से 15 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति के 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। हाथरस में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस अवधि में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार शस्त्र, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग बिना
सहमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। वक्फ बोर्ड का सुनवाई में प्रार्थना पत्र दाखिल न करना दुर्भाग्यपूर्ण। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और साहित्य का विवाद के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की विवाद खारिज करने की मांग पर 22 फरवरी 2024 से लगातार सुनवाई चल रही है और लगभग पूरी हो चुकी है। अब इस स्तर पर बोर्ड के अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना पत्र आज ही दाखिल किया जाए, इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजा भैया का सपा को समर्थन। सबसे करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप गोपाल जी की चिट्ठी का क्या है संकेत? जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के बाहुबली और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के एक कदम ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत दे दी है। इस कदम को सपा को समर्थन देने का संकेत भी माना जा रहा है। राजा भैया ने कौशाम्बी लोकसभा सीट से उतरे सपा प्रत्याशी के पिता इंद्रजीत सरोज से पुराना विवाद खत्म कर लिया है। कोर्ट में इंद्रजीत के खिलाफ दायर मानहानि का वाद वापस लेने का ऐलान किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इंद्रजीत की टिप्पणी के बाद राजा भैया ने केस दायर किया था। इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज का बेटा सपा से प्रत्याशी है। राजा भैया ने 2 दिन पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद से ऐसा ही लग रहा है कि सपा को समर्थन देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए राहत की खबर। आगरा फोर्ट डिपो को मिलेगी 50 ई बसें, इतना सस्ता होगा सफर। जी हां, आगरा परिवहन विभाग को लंबी दूरी के सफर के लिए 50 ई बसें मिलने जा रही हैं। आचार संहिता के बाद चरणबद्ध तरीके से परिवहन विभाग को ये बसें मिलने लगेंगी। डीजल बसों के मुकाबले इनमें किराया कम होगा। इनको ISBT से संचालित किया जाएगा, इसके लिए चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि ई बसों का संचालन अभी शहर में ही हो रहा है, अब 200 किमी की दूरी तक के सफर के लिए भी ई बसों का इस्तेमाल होगा। संहिता के बाद जो है 50 बसें मिलने वाली हैं। यूपी में अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता पर शिकंजा, ईडी ने वसूली रैकेट के सरगना बताया, दाखिल किया आरोप पत्र। जी हां, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया। ईडी मुख्यालय की तरफ से शाइस्ता परवीन के खिलाफ विशेष न्यायालय PMLA लखनऊ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गयी। कोर्ट ने इसका संज्ञान भी ले लिया है। इसमें शाइस्ता पर जबरन वसूली रैकेट संचालित करने का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज में पिछले साल फरवरी में हुई सनसनीखेज उमेश पाल कांड के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है। अप्रैल में पुलिस कस्टडी में पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के कांड के बाद भी शाइस्ता सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन लेने वाले भी सुरक्षित नहीं, टीका लेने वाले 30% लोगों को हो रही है बीमारियां, BHU की रिसर्च में खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के संभावित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर कहा था कि उसके वैक्सीन के सुरक्षा रिकॉर्ड शानदार रहे। कंपनी ने कहा था कि उसकी वैक्सीन से खून के थक्के, प्लेटलेट की कमी जैसे दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोवैक्सीन लेने वाले 30% लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। BHU के शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 1/3 लोगों में ऊपरी सांस की नली में वायरल संक्रमण होने यानी सांस लेने में शिकायत, इसके अलावा लोगों में ब्लड क्लॉटिंग, खून जमने और एलर्जी के भी प्रभाव देखने को मिले हैं। आपने कौन सी ली थी, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में हर घर की मुखिया महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा 1 लाख, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महंगाई बेरोजगारी ने आज तुरसा का रूप ले लिया है। सरकार बनने के बाद से ही हम कर्नाटक में हर माह 10 किलो अनाज गरीब परिवारों को दे रहे हैं। 1,20,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीना गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। 1,50,00,000 परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली गृह ज्योति योजना के तहत दे रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों को 3,000 रुपए प्रति माह भत्ता दे रहे हैं। हमने शक्ति योजना का वादा किया था, जिसमें हम पूरे प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के लोग हमें जिताते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को माँ लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने खाते में खटाखट 8,500 रुपए डाले जाएंगे। आप कांग्रेस या मोदी किसे जिताएंगे, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल में मोदी होगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं, केजरीवाल को PM का जवाब। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहा कि अगले 5 सालों में मोदी होगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं। PM मोदी का यह बयान बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को संकेतों में जवाब माना जा रहा है। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद लगातार कह रहे हैं कि मोदी अगर जीत गए तो 2-3 महीने में योगी आदित्यनाथ और UP के CM पद से हटा देंगे और खुद के 75 साल पूरा
पूरा होने पर 2025 में अमित शाह को पीएम बना देंगे। प्रधानमंत्री ने जौनपुर में कहा, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसीलिए जब मैं एक्सप्रेसवे बनाता हूँ तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है, जब मैं बनारस के हाईवे अड्डे को अपग्रेड करता हूँ तो यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा होता है। चुनावी बॉन्ड के जरिए धन्ना सेठों से लिए खरबों रुपए, सपा कांग्रेस पर मायावती का सीधा हमला। जी हां, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के खागा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां विरोधी पार्टियों ने देश के पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए लिए, वहीं बसपा ऐसी पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए एक भी रुपए धन्ना सेठों से नहीं लिए। नगर के नवीन मंडी स्थल के समीप आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूंजीवाद को लेकर भाजपा व कांग्रेस सरकारों को गड़खड़े में खड़ा कर दिया। आप लोग 400 पार करा दो, हम पीओके पर झंडा फहरा देंगे, प्रतापगढ़ में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाले नरेंद्र मोदी और मंदिर हटवाकर बाबरी का सपना देखने वाले बाबर की औलादों के बीच है। फैसला जनता कर चुकी है, बस आप लोग उत्तर प्रदेश में 80 के साथ देश में 400 पार करा दो। नरेंद्र मोदी इस बार पीओके में झंडा फहरा देंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अलग हेलीकॉप्टर से जनसभा स्थल के करीब केपी कॉलेज के मैदान में उतरे। सभा में पहुंचने के बाद माइक थामते ही सीधे सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में बिना नक्शे के अवैध इमारतें बनाने वालों पर एलडीए करेगा कार्रवाई। दरअसल आपको बताने की भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ एलडीए में कार्रवाई शुरू हो गई। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग निर्माण कराने वाले विभाग के 14 इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी। एलडीए की तरफ से कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब को रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। भ्रष्टाचार में शामिल इंजीनियरों को चार्जशीट तैयार कर तत्काल भेजने का निर्देश दिया गया। एलडीए उपाध्यक्ष की ओर से कराई गई जांच में पता चला कि इन इंजीनियरों ने बड़े पैमाने पर बिल्डरों की मिलीभगत से अवैध इमारतें और टाउनशिप बनवाई। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बीच सपा को लगा बड़ा झटका, संस्थापक सदस्य रामहरि का इस्तीफा लगाएं ये आरोप। दरअसल आपको बताने की लोकसभा चुनाव के बीच सपा को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद निवासी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व राष्ट्रीय सचिव रामहरि चौहान ने समाजवादी पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि रामहरि चौहान समाजवादी पार्टी की स्थापना के पूर्व समय से मुलायम सिंह यादव के साथ राष्ट्रीय लोक दल में काम करते रहे, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। वह समाजवादी पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए 2017 में अखिलेश यादव के कार्यकाल में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी बने। यूपी के नोएडा से दुश्मनों के मंसूबों को जड़ से नष्ट करेगी डिजिटल फॉरेंसिक लैब, सीमा पार से आने वाले ड्रोन का हो सकेगा खात्मा। दरअसल आपको बता दें कि डिजिटल क्रांति नित नया अध्याय लिख रही है, उसी के माध्यम से संगठनों के मंसूबों को भी पस्त किया जा रहा है। एक कड़ी आगे बढ़ते हुए देश की सीमा पर भेजे जाने वाले ड्रोन के मकसद का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब तैयार हो रही है। दुश्मन देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन ड्रोन के माध्यम से कभी हथियार गिराते हैं तो कभी नशे का सामान भेजते हैं या फिर रेकी करते हैं। इन ड्रोन को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी की ओर से तुरंत मार कर नष्ट कर दिया जाता है। उसमें रडार और जैमर डिटेक्शन में दिक्कत आती है और उसका डाटा भी रिकवर नहीं हो पाता, इसीलिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में फॉरेंसिक लैब तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश में 30 साल पुराने कागजों में फर्जीवाड़ा, वक्त के नाम चढ़ाई सहारनपुर नगर निगम की 3 हेक्टेयर जमीन। जी हां, आपको बताने की सहारनपुर में नगर निगम की 3 हेक्टेयर जमीन का दशकों पुराना बड़ा फर्जीवाड़ा अब सामने आया है। जांच में खुलासा होने के बाद कमिश्नर ने डीएम को पत्र लिखकर 1994 के आदेश को निरस्त कर भूमि को पूर्व की भांति अभिलेखित करने के आदेश जारी किए। मंडलायुक्त के आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। इस खेल में पूर्व में तैनात रह चुके कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जांच कमेटी ने 7 मई को 11 पृष्ठों की तथ्यात्मक संयुक्त जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि वर्ष 1874 से नगर पालिका पर्षद सहारनपुर की संपत्ति के रूप में दर्ज है। उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम का झांसा दे 15 लाख ठगे, सऊदी अरब ट्रांसफर की रकम ठगी का अंदाज देख पुलिस भी सन्न। दरअसल आपको बताने की मझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर निवासी नितिन सिंह को साइबर अपराधी ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 15,27,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने प्रोडक्ट की रेटिंग करने का काम दिया और धीरे धीरे रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित ने रकम अपने पत्नी और बहन के खाते से आरोपी के बताए खाते में ट्रांसफर की थी। इस मामले में साइबर अपराध थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि टेलीग्राम पर नितिन के पास जिया प्रसाद नाम की आईडी से मैसेज आया था, जिसमें बताया गया था कि आप घर बैठे ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की रेटिंग करनी है, यानी प्रोडक्ट कैसा है यह आपको सिर्फ बताना है और उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे।
यूपी के चार जिलों पर 14 दिन भारी भीषण गर्मी हीट वेव का रहेगा असर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि मई के आखिरी 10 दिन की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वह बेहद डरा देने वाला है। आज से पूरे रुहेलखंड को हीट वेव अपने आगोश में लेने जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है 17 मई से 31 मई तक हालात बेहद खराब हो सकते हैं। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक गर्म हवा के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो सकता है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री पार होने की संभावना है। बताया गया कि गर्म हवा के झोंके इतने परेशान करेंगे कि ऐसा लग रहा है कोई गर्म भाप चेहरे पर फेंक रहा हो। इसलिए जरूरी हो तभी बाहर निकले इंतजाम के साथ, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।